हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज एट अवियान आईएएस एकेडमी और मैं हूं देबोलीना चौधरी। सो लास्ट क्लास में हमने यूजीसी नेट एग्जाम जो पैटर्न होते हैं और उसकी सिलेबस है साइकोलॉजी का, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो आज से शुरू होता है लेक्चर सीरीज का क्लासेस। तो आज है पहला क्लास जो होगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर। तो साइकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है, ये आप अगर जाके किसी आम आदमी को पूछ लो, 5-10 आम आदमी को पूछ लो कि साइकोलॉजी क्या होता है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट जिसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। कोई कहेंगे कि अरे इससे तो ड्रीम एनालिसिस होता है, तुम्हारे मन में क्या है वो सब पता चल जाता है। और कोई कहेंगे कि अरे ये तो सब बकवास है। लेकिन हमको जानना है साइकोलॉजी के बारे में कि वो कहाँ से शुरुआत हुई उसके, और वो कैसे एक साइंटिफिक स्टडी बने। ठीक है, सो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि साइकोलॉजी का जो शुरुआत हुआ है वो मेनली हुआ है फिलोसॉफी में, और फिर उसके साथ जाके मिल गया फिजियोलॉजी का कुछ साइंटिफिक मेथड्स, तब जाके बना साइकोलॉजी का साइंटिफिक फील्ड। सो ये साइकोलॉजी जो टर्म है, ये दो ग्रीक वर्ड से आते हैं, एक है साइकी, दूसरा है लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल इज बेसिकली साइकोलॉजी, बट दिस डेफिनेशन इज नो लॉन्गर वैलिड। क्योंकि सोल क्या होता है, क्या हम उसको देख सकते हैं, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? सो ये अगर नहीं कर सकते हैं तो वो साइंटिफिक स्टडी नहीं बनेगा। सो साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके वो भी चेंज होता गया। सो कैसे चेंज हुआ वो हम थोड़ा देख लेंगे। पहले आया, जैसे मैंने कहा कि साइकी मतलब सोल, स्टडी ऑफ सोल। फिर सब ने कहा कि सोल तो हम देख नहीं सकते, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो आ गया स्टडी ऑफ माइंड। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, जैसे रेने डेकार्टे, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ माइंड। सो ये माइंड क्या है? माइंड इज माइंड का नेचर क्या है, हाउ दैट माइंड इज कनेक्टिंग विद बॉडी। ओके, माइंड कैसे बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, बॉडी कैसे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। सो दैट वॉज द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अंडर दिस सब्जेक्ट। सो दैट इज वाई इट वॉज यूज टू कॉल्ड स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, जो जैसे मैंने अभी कहा रेने डेकार्टे, ये एक फिलोसोफर थे, तो उसका क्या कहना था कि माइंड और बॉडी जो है ये दो अलग अलग चीज़ है, और ये माइंड और बॉडी जो है एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करता है, थ्रू पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड जो होता है, अकॉर्डिंग टू रेने डेकार्टे, वो अपने दिमाग के एकदम बहुत अंदर, एक डीप विद इन आवर ब्रेन इट इज सिचुएटेड। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहलाता है डुअलिज्म। ये बहुत टाइम क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज डुअलिज्म एंड हु बेसिकली प्रोपागेटेड डुअलिज्म। सो रेने डेकार्टे टोल्ड अबाउट डुअलिज्म। ओके, फिलोसॉफी में और कुछ लोग थे जो कहते थे कि नो, नॉट विद द हेल्प ऑफ पीनियल ग्लैंड, ये माइंड एंड बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही कनेक्ट करते हैं एंड इंटरैक्ट करते हैं। सो उसके जो ओपिनियन थे उसको कहते थे इंटरैक्शनिज्म। ठीक है, सो ये था जो चैप्टर जहाँ पे साइकोलॉजी को एज ए डेफिनेशन बोला जाता था स्टडी ऑफ माइंड। नेक्स्ट आया, सबने कहा कि ये जो है साइकोलॉजी जो है, जो माइंड है, माइंड को तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते खाली ऐसे रीजनिंग लगा के। ये जो फिलोसोफर्स जैसे डिफाइन किया, उन्होंने खाली अपना स्पेकुलेशन लगाया, अपना रीजनिंग लगाया,
उसके हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया माइंड को, लेकिन फिर कहा कि अगर हमको इस फील्ड को एक साइंटिफिक नेचर देना है तो खाली खाली ये रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, क्या करना होगा उसके लिए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, बिकॉज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली द बेसिस ऑफ ऑल द नेचुरल साइंसेस. सो फिर आया द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जिसको एम्पेरिसिज्म भी कहा जाता है. एम्पेरिसिज्म भी कहा जाता है. एक एक सब्जेक्ट अगर वो एम्पेरिकल होता है दैट मीन्स वो साइंटिफिक होता है एंड दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. ओके, सो ये जो ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हम माइंड को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड दिखाई नहीं देता है. तो किस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं? जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं वही बनेगा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अंडर द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी. तब आया बिहेवियर. सो पहले आया स्टडी ऑफ सोल, उसके बाद आया स्टडी ऑफ माइंड, फिर आया स्टडी ऑफ बिहेवियर. अब स्टडी ऑफ बिहेवियर से पहले और कुछ लोग बोलने लगे कि साइकोलॉजी कुड बी द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम अभी इस मोमेंट में हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं. ओके, हमारे इमोशंस क्या है, हमारे फीलिंग्स क्या है. सो दिस कुड बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, दिस शुड बी स्टडीड ऑन द साइकोलॉजी. सो किसी ने बिहेवियरिज्म के पहले बिहेवियर ये टर्म इंट्रोड्यूस करने से पहले बहुत सारे ने कहा कि साइकोलॉजी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. लेकिन यहाँ पे भी जो मैंने अभी कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये कॉन्शियसनेस जो है, क्या हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो कॉन्शियस है, मेरे दिमाग में जो थॉट्स चल रहा है, मेरे दिमाग में जो फीलिंग्स चल रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो तो दूसरे किसी के बारे में, मतलब वो दूसरा कोई तो उसके दूसरे किसी के पास तो उसका कोई जानकारी नहीं होगा, राइट? सो ये जो कॉन्शियसनेस है वो भी चला गया डेफिनेशन से. फिर आ गया बिहेवियर. बिहेवियर क्या है? ये जो मैं बात कर रही हूँ, मैं जो चल रही हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग, वॉट एवर आई एम सेइंग, दैट इज बिहेवियर. सो ये बिहेवियर एक चीज़ है जो ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं. सो फाइनली द मैटर, द सब्जेक्ट मैटर बिकम्स अ बिहेवियर. सो क्या हम स्टडी कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर? बिहेवियर. सो साइकोलॉजी बन गया फाइनली द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ बिहेवियर. ओके, सो इसको अगर और एक बार हम देख ले, तो पहले आया सोल. साइकोलॉजी को पहले कैसे डिफाइन किया गया? एज ए स्टडी ऑफ सोल, फिर एज ए स्टडी ऑफ माइंड, फिर एज ए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर. ओके, सो ये जो बिहेवियर जब से इंक्लूड हुआ, तब से जाके साइकोलॉजी को एक अलग से साइंटिफिक नेचर मिला. ठीक है, क्योंकि बिहेवियर ऑब्जर्व भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है. तब उसके बाद जाके कुछ टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन आया, जैसे कंप्यूटर आए, फिर ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स आए, जैसे EEG. ठीक है, सो ये सब से हम जो हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस चलता है, जो हमारी इमोशंस है, वो जब चल रहा है तब हमारे ब्रेन में क्या फंक्शंस हो रहा है, सो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं. सो इसीलिए बिहेवियर के साथ बाद में जुड़ गया कॉग्निटिव प्रोसेसेस. बिहेवियर के साथ बाद में जुड़ गया कॉग्निटिव प्रोसेसेस. सो आज हम अगर देखें कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, करेंट डेफिनेशन, तो साइकोलॉजी का करेंट डेफिनेशन है, इट इज़ अ
साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस. कॉग्निटिव प्रोसेसेस बोले तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे डिसीशन मेकिंग, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, हमारी मेमोरी, ये सब आता है कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर. अब ये जो चेंजेस आया डेफिनेशन में वो कैसे आया, ठीक है, सो किसने किसने कंट्रीब्यूट किया, सो उसको हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. डिफरेंट जो थॉट है, अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री जानेंगे तो देखेंगे एक एक टाइम में एक एक थॉट डोमिनेटिंग हुआ. सो वो थॉट क्या क्या था जिसने ये डेफिनेशन के जो चेंजेस है, इवॉल्व है, इसको सपोर्ट किया, वो हम पहले जानेंगे. The first one is known as, first school of thought is known as structuralism, ठीक है. So जब philosopher के मैंने बात किया कि philosophers ने कहा कि dualism के बारे में कहा, interactionism के बारे में कहा, उसके बाद आया structuralism. तो क्या कहा structuralism के अंदर, अच्छा वहाँ पे जो important नाम है वो है विलहेल्म वुंड. उसने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किया जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री में अभी भी एकदम गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है. दैट इज़ 1879 में जर्मनी के लिप्जिक में उन्होंने एक साइकोलॉजी का लैब, फर्स्ट वो वर्ल्ड हिस्ट्री में साइकोलॉजी का फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश किया, ठीक है. सो दैट इज़ वाई उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है. सो ये जो भी टर्म है ये हिस्ट्री से है. इट इज़ लाइक यू आर लर्निंग द इंफॉर्मेशन, द प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साइकोलॉजी कहाँ से शुरुआत हुई. सो ये जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 1879 जो ईयर है कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, जर्मनी के जो लिप्जिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो लेबोरेटरी है साइकोलॉजी का वो एस्टैब्लिश हुआ. दैट इज़ वाई विलहेल्म वुंड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है. सो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये MCQ क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब हम देखेंगे तो विलहेल्म जो वुंड था वो वुंड ये स्ट्रक्चरलिज्म का मेन प्रोपागेटर था. सो उसका क्या कहना था, इसका ये स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो कॉन्शियसनेस को अगर हम चाहे तो उस कॉन्शियसनेस को हम स्टडी करके उसको हम उसके एलिमेंट्स में, उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सो वी कैन ब्रेक डाउन कॉन्शियसनेस इन इट्स एलिमेंटरी पार्ट्स, ओके. सो कॉन्शियसनेस जो है उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको थॉट्स मिलेगा, हमको इमोशंस मिलेगा, हमको एक्सपीरियंसेस मिलेगा, ठीक है. सो उसने क्या कहा कि कॉन्शियसनेस को हमको स्टडी करना है और उसके एलिमेंट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है. और ये कॉन्शियसनेस को कैसे हम इसके एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. ये इंट्रोस्पेक्शन वाज द बेसिकली मेथड ऑफ स्टडी अंडर स्ट्रक्चरलिज्म. सो ये इंट्रोस्पेक्शन क्या है, दिस इंट्रोस्पेक्शन इज नथिंग बट स्टडिंग योर ओन कॉन्शियसनेस एंड स्टडिंग इट ऑब्जेक्टिवली, ठीक है. उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है. जैसे मानो के कोई स्टिमुलस दिया गया है, जैसे कि एक रेड रोज है, मेरे सामने एक रेड रोज है, अगर देन आई स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग कि ये रेड रोज को देख के मुझे क्या महसूस हो रहा है, ओके, व्हाट आर माय थॉट्स राइट नाउ आफ्टर सीइंग दिस रेड रोज, व्हाट आर माय इमोशंस, ओके, एंड व्हाट आर द अदर थॉट्स दैट इज कमिंग इन टू माई माइंड. सो दैट इज बेसिकली द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. अपने आप में ही खुद के कॉन्शियसनेस को कोई स्टिमुलस देख के
खुद के कॉन्शियसनेस को समझना कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, और उसको नोट डाउन करना थॉरली टू अंडरस्टैंड इट्स एलिमेंट्स. ठीक है, सो दिस वॉज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. इसमें और एक नाम इम्पॉर्टेंट है, वो है टीचनर. टीचनर वॉज बेसिकली द स्टूडेंट ऑफ वुंड, और उसने क्या कहा, ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म, इसको, ये तो पहले हुआ था जर्मनी, दैट इज इन यूरोप. सो इसको, ये कॉन्सेप्ट को टीचनर ने लेके गया अमेरिका में. ठीक है, एंड आफ्टर दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बिकेम फेमस इन अमेरिका ऑल्सो. अब स्ट्रक्चरलिज्म के बाद क्या कॉन्सेप्ट आया, कौन से स्कूल ऑफ थॉट डोमिनेटिंग हुआ, दैट इज नोन एज फंक्शनलिज्म. ठीक है, और फंक्शनलिज्म जो है उसके मेन प्रोपागेटर था विलियम जेम्स. सो विलियम जेम्स ने क्या कहा कि ये जो कॉन्शियसनेस है, इट इज लाइक एक झरने की तरह है. ओके, सो इट इज़ लाइक ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. राइट नाउ मेरे कॉन्शियसनेस में जो है, नेक्स्ट मोमेंट में मेरे कॉन्शियसनेस में कोई दूसरा चीज़ है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू साइंटिफिकली स्टडी समथिंग दैट इज़ एवर चेंजिंग. जो मोमेंट मोमेंट में चेंज होता रहता है, उसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है. राइट, सो उसके लिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि स्ट्रक्चर हमको नहीं देखना है कॉन्शियसनेस का, हमको देखना है कि कॉन्शियसनेस क्या फंक्शन सर्व करता है. ठीक है, और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विलियम जेम्स वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म बाई विलियम जेम्स वॉज बेसिकली मोटिवेटेड बाई एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म. कि हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर जो अप्रोप्रिएट होता है, वही सिलेक्टेड होता है एंड वही नेक्स्ट जनरेशन तक मूव करता है. ओके, जो ह्यूमन फीचर्स होता है, जैसे सिमिलरली कॉन्शियसनेस इज अ वेरी यूनिक ह्यूमन फीचर. ओके, सो इसीलिए विलियम जेम्स ने कहा कि हम लोगों को जानना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने में, जो अपना एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, जो चैलेंजिंग वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने में कैसे हेल्प कर रहा है. सो व्हाट आर द पर्पस दैट इज सर्व्ड बाय दिस कॉन्शियसनेस, दैट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अंडर साइकोलॉजी. सो फंक्शनलिज्म के बाद जो नेक्स्ट आया, दैट इज जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स और जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है, सो जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या कहा कि ये जो हमारे कॉन्शियसनेस है, इसको जैसे हम स्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही इसका फंक्शन भी जानना डिफिकल्ट है. सो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस है, जैसे मेमोरी मानो, लर्निंग मानो, हमारे परसेप्शन मानो, सो उसको एज ए होल हमको स्टडी करना है, उसको हम एलिमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते. सो जेस्टाल्ट स्कूल वॉज बेसिकली कम टू द पिक्चर अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. जैसे फंक्शनलिज्म भी स्ट्रक्चरलिज्म को अपोज करके पिक्चर में आया, वैसे जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट में केम टू द पिक्चर. ओके, अब ये जेस्टाल्ट जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है होल और कॉन्फिगरेशन. ठीक है, सो ये जेस्टाल्ट का मीनिंग होता है होल. जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उसने कहा कि हमारे जो परसेप्शन है, वो पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो जो होता है वो होल होता है. एंड वो होल जो होता है, ये पार्ट को अगर हम जोड़ ले तो उससे ज़्यादा होता है ये होल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे के बोलूँगी तो दिस विल बी मच ईजियर.
ठीक है. सो व्हाट इज दिस, इफ आई आस्क यू ऑल व्हाट इज दिस, तो आप लोग कहोगे कि मैम यहाँ पे तो एक हाउस दिख रहा है, राइट. आप लोग क्या कहोगे, मैम यहाँ पे एक खिड़की दिख रहा है, यहाँ पे एक दरवाजा दिख रहा है, यहाँ पे एक रूफ दिख रहा है, यहाँ पे एक वॉल दिख रहा है, ऐसे आप कहोगे? नहीं कहोगे. आप कहोगे कि मैम हम लोगों को एक हाउस दिख रहा है. सो दिस इज बेसिकली द एसेंस ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. ओके, सो उसने कहा कि हम जो परसीव करते हैं वो होल में परसीव करते हैं. अगर हम एक विंडो प्लस एक डोर प्लस एक रूफ कर दे, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या कहा कि हम अगर चाहे ये हाउस मान लीजिए कि हमारे कॉन्शियसनेस है, इसको अगर हम चाहे तो इसके जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि विंडो डोर रूफ वॉल कुछ भी. लेकिन हमारे जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है उसने कहा कि हम ये सब करते ही नहीं है, हम जो करते हैं पूरा फोकस करते हैं कुछ होल के ऊपर. एंड ये होल जो है यही मीनिंगफुल होता है, यही मायने रखता है. ये जो एलिमेंट्स है ये कोई मायने नहीं रखता है. सो ये जो होल है, दिस बेसिकली इन्फ्लुएंस आवर मेमोरी, आवर लर्निंग, आवर ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, बी इट परसेप्शन, बी इट अटेंशन, एवरीथिंग. सो स्ट्रक्चरलिज्म हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद फंक्शनलिज्म डिस्कस कर लिया, फिर जेस्टाल्ट साइकोलॉजी डिस्कस कर लिया, उसके बाद आता है बिहेवियरिज्म. जैसे मैं ये स्कूल ऑफ थॉट्स एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, वैसे भी आप लोग अगर कनेक्ट करना चाहो तो मैंने पहले ही जो कहा कि डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुआ, साइकोलॉजी का डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुआ, ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स के इन्फ्लुएंस के वजह से ही एक से लेके एक दूसरे तक चेंज होता गया, ठीक है. अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो अब आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसके साथ डेफिनेशंस कैसे कैसे चेंज होता गया. सो ये बिहेवियरिज्म जो है उसका पहला जो प्रोपोगेटर था वो था जेम्स वॉटसन. सो उसने क्या कहा, अरे ये कॉन्शियसनेस तो बहुत फालतू की चीज़ है, ये कॉन्शियसनेस तो हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या हम देख पाते हैं, क्या हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और तुम्हारे कॉन्शियसनेस एक होगा, दूसरे के कॉन्शियसनेस और कुछ होगा. सो ये तो ऑब्जर्व करना पॉसिबल ही नहीं है. और जो इंट्रोस्पेक्शन है कि खुद के कॉन्शियसनेस खुद ही ऑब्जर्व करना, वो तो एक बायस्ड सिस्टम है कि मेरा जो है मैं अपने बारे में कुछ गलत क्या ऑब्जर्व करके बोलूँगी कि मुझे ये गलत महसूस हो रहा है, कि मुझे ये खराब महसूस हो रहा है. तो हम लोग तो जनरली एक बायसनेस होता है कि हम अपने बारे में सब पॉजिटिव चीज़ें ही जनरली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. सो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये उतना साइंटिफिक नहीं है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, अकॉर्डिंग टू जेम्स वॉटसन. सो इसीलिए उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस स्टडी करने में कोई साइंटिफिक काम नहीं है. तो साइंटिफिक क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज आवर बिहेवियर. सो बिहेवियर जो है दैट इज बेसिकली एज आई ऑलरेडी सेड व्हाट वी से व्हाट वी डू. ओके, सो ये बिहेवियर को हम देख भी सकते हैं, इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम इसको हम मेजर भी कर सकते हैं. मान लीजिए कि मुझे मुझे दिन में कितना बार गुस्सा आया, ठीक है, मुझे कौन सी सिचुएशन में गुस्सा आया, कितना बार गुस्सा आया, पर्टिकुलर कौन सी सिचुएशन में ज़्यादा आया. सो ऑल दिस थिंग्स आई कैन ऑब्जर्व एंड आई कैन मेजर. अब जेम्स वॉटसन के अलावा और दो इम्पॉर्टेंट नाम है, एक है इन दोनों का भी बिहेवियरिज्म में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. इवान पेवलोव इज बेसिकली स्टडीड कंडीशनिंग. सो ये हम जब लर्निंग पढ़ेंगे तब जाके हम डिटेल में जानेंगे कि कंडीशनिंग क्या है. सो कंडीशनिंग इज बेसिकली कि हमारे बिहेवियर कैसे स्टिमुलस के हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड होता है. और बिहेव्स की अनर जो है उसने कहा ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, इन्होंने कहा क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, और इन्होंने कहा ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में.
सो इवान पेवलोव ने कहा कि कैसे स्टिमुलस हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और बी एफ स्किनर ने कहा कि कैसे बिहेवियर से जो हमारा आउटकम मिलता है वो आउटकम कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. सो दिस बेसिकली वॉज अ ग्रेट लीड इन द बिहेवियरिज्म एंड ग्रेट लीड इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर. सो ये हो गया हमारे बिहेवियरिज्म्स. नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट आया दैट इज बेसिकली दिस इज बेसिकली साइको एनालिसिस. सो साइको एनालिसिस जो ये हम बहुत जन ही जानते हैं, साइको एनालिसिस का जो मेन प्रोपागेटर था वो था सिगमंड फ्रॉयड. सिगमंड फ्रॉयड एक डॉक्टर थे वियना में. सो बेसिकली जैसे हम जानेंगे कि साइकोलॉजी तो आज एक डिसिप्लिन है जहाँ पे जो स्टडी करते हैं साइकोलॉजी को लेके उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, बट जब वो पहले फिलोसॉफी एंड फिजियोलॉजी के से बहुत कंट्रीब्यूशन था एंड फिजिक्स से भी बहुत कंट्रीब्यूशन था इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स हिस्ट्री. सो तब बहुत सारे आदमी थे जो फिलोसॉफर थे, जो डॉक्टर्स थे, जो फिजिसिस्ट थे, जिनका बहुत सारे कंट्रीब्यूशन था इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी. वैसे ही सिगमंड फ्रॉयड एक डॉक्टर थे और वो क्या स्टडी कर रहे थे कि जो बहुत सारे मिस्टीरियस बिहेवियर है ह्यूमन का, मिस्टीरियस सिम्टम्स है, जैसे कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है जिसका कोई मेडिकल बेसिस नहीं मिल रहा था, तो वो सब सिम्टम्स को लेके सिगमंड फ्रॉयड स्टडी कर रहे थे. और तब उन्होंने क्या देखा कि ये जो सिम्टम्स है वाया हिप्नोसिस इसको एक हद तक ठीक किया जा सकता है. सो हिप्नोसिस में हिप्नोटिक स्टेट में अगर किसी को सजेशन दिया जाता है, उस सजेशन से एक इंडिविजुअल का जो इंटरनल थॉट है, जो हिडन थॉट्स है, वो भी जान सकते हैं और उसका जो फ्यूचर बिहेवियर है उसको भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. सो ये जो उसका स्टडी था उसने जन्म लिया द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस. अब तक तो कॉन्शियसनेस की बात हो रही थी, बिहेवियर की बात हो रही थी, बट सिगमंड फ्रॉयड वॉज द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड अबाउट अनकॉन्शियस. ओके, के साइकोलॉजी कुड बी should not be the study of behavior only, but it should be the study of unconscious also. So basically, बेसिकली सिगमंड फ्रॉयड ने जो उसका बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन था साइकोलॉजी में वो था मॉडल ऑफ माइंड. सो माइंड को उन्होंने तीन हिस्से में बांटा, एक था ईड, एक था ईगो और एक था सुपर ईगो. ठीक है, सो ईड इज बेसिकली अनकॉन्शियस, उसमें हमारे बहुत सारे सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इम्पल्सिस रहते हैं जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं होता है, लेकिन वो हमारे जो बिहेवियर है, जो कॉन्शियस बिहेवियर है, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है. ईगो इज बेसिकली अबाउट आवर कॉन्शियसनेस, और ये सुपर ईगो जो है उसको फ्रॉयड ने कहा इट इज अबाउट आवर मॉरल कॉन्शियस. सो व्हाट इज मॉरल कॉन्शियस, के हमारे सोसाइटी हमारे ऊपर जो जो नारे लगाते हैं कि वी शुड डू दिस, वी शुड नॉट डू दिस, ये सब जो हमारे सोसाइटी हमारे ऊपर आरोप करते हैं, दिस इज नथिंग बट द मॉरल कॉन्शियस एंड दिस इज सुपर ईगो. सो फ्रॉयड ने क्या कहा, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो बिहेवियर है, दैट इज हाईली मोटिवेटेड बाय द कंफ्लिक्ट बिटवीन दिस सुपर ईगो एंड दिस ईड. सो ये जो मॉरल कॉन्शियस है और हमारे अनकॉन्शियस में जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं, जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, सो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है
दैट बेसिकली मोटिवेट आवर बिहेवियर एंड दैट इज बेसिकली रेगुलेटेड बाई दिस ईगो. ईगो मैनेज करता है कि उसको कैसे कॉन्शियसली हैंडल किया जाए. ठीक है, सो ये ईड जो है अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड ये हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वहाँ से डेवलप होता है. ठीक है, सो वहाँ पे बहुत सारे हमारे एज आई सेड के सेक्सुअल इम्पल्सेस रहते हैं. और बाद में फ्रॉयड ने और भी एक कॉन्सेप्ट ऐड किया जहाँ पे उन्होंने सेक्सुअल इम्पल्स के साथ साथ एग्रेसिव इम्पल्स को भी एज ए पार्ट ऑफ ईड माना. ठीक है, सो ये हो गया साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस के साथ साथ और एक स्कूल ऑफ थॉट केम इन टू पिक्चर एज ए प्रोटेस्ट टू बिहेवियरिज्म, दैट इज नोन एज ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. ओके, सो ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ने क्या कहा कि बिहेवियरिज्म जो बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट इट्स बिहेवियर, कोई भी स्टिमुलस ला दो तो वो कैसे भी बिहेव कर सकता है. सो एक स्टिमुलस के साथ उसको बिहेवियर कैसे भी कनेक्ट करवा सकते हैं. सो अगर कुछ रिवॉर्ड दिया जाए तो बिहेवियर को हम जैसे चाहे वैसे ही चेंज कर सकते हैं. तो लाइक ह्यूमन बीइंग हैव नो पार्टिसिपेशन, इट इज़ ऑल अबाउट द स्टिमुलस एंड द एनवायरमेंट एंड द रिवॉर्ड दैट बेसिकली मोटिवेट और दैट बेसिकली रेगुलेट आवर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म. लेकिन ह्यूमैनिस्ट ने कहा कि नहीं, ह्यूमन बीइंग आर गिवन विथ फ्री विल. तो ये फ्री विल क्या है? फ्री विल बेसिकली इट हेल्प्स अस एंड गिव्स अस द ह्यूमन बीइंग फॉर डिजायर फॉर पर्सनल ग्रोथ. यहाँ पे ह्यूमैनिस्टिक बाकी सब स्कूलों से डिफरेंट है और जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उससे डिफरेंट है. कैसे? क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो ह्यूमन बीइंग के क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या खामियाँ है, डेफिशियंसी है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया. लेकिन ये जो ह्यूमैनिस्टिक है, ह्यूमैनिस्टिक जो स्कूल्स ऑफ थॉट के जो साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे वहाँ पे कार्ल रॉजर बहुत इम्पॉर्टेंट एक नाम है. सो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये ह्यूमन बीइंग का एक पॉजिटिव साइड भी होता है. ठीक है, सो एंड वी शुड फोकस ऑन दैट पॉजिटिव साइड, वी शुड नॉट फोकस ऑन देयर डेफिशियंसी, वी शुड फोकस ऑन देयर पॉजिटिव साइड बिकॉज दे हैव देयर पर्सनल डिज़ायर फॉर ग्रोथ. सब चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे अंदर जितना भी पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना हम सब चाहते हैं. ठीक है, सो वी शुड फोकस ऑन दैट, वी शुड स्टडी दैट सो दैट वी कैन हेल्प इंडिविजुअल सो दैट दे कैन रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल. एट प्रेजेंट साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी के जो डिसिप्लिन है उसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ वेरी पॉपुलर फील्ड. और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का कंट्रीब्यूशन बहुत माना जाता है. सो हमने क्या जाना कि साइको एनालिसिस एंड ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट दे केम एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट केम इन टू पिक्चर दैट इज यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली द लेटेस्ट स्कूल ऑफ थॉट. यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे टाइम बीतता गया टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होता गया. और एक जो टेक्नोलॉजी है विच इज़ नोन एज ब्रेन इमेजिंग टेक्निक, कि हमारे ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है उसका भी हम एक मेजर कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से. सो वो जब हुआ तो मानो कि हम लोग कोई अवेक है,
स्लीपिंग स्टेट में नहीं है, अवेक है, तब हम क्या सोच रहे हैं, हमारे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं। सो जब वो कोई इमोशंस चल रहा है, कोई सोच चल रहा है, तो हमारे ब्रेन के कौन सी एरिया एक्टिवेटेड हो रहा है, कौन से एरिया ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रहा है। जब हम एग्रेसिव होते हैं, जब हमारे अंदर फियर होता है, तो हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट्स उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ये सब हमको जानने के लिए मिलता है। सो ये जो प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसे मेमोरी, रीजनिंग, इमोशन, मोटिवेशन, थिंकिंग, डिसीशन मेकिंग, पहले हम क्या कहते थे, बिहेवियर इज समथिंग जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, अब ये जो सारे सारे कॉग्निटिव प्रोसेस है, अब इसको भी हम मेजर करने लगे। सो अब पिक्चर में आया कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि अब कॉग्निशन की को भी हम मेजर कर सकते हैं बिहेवियर के साथ साथ। सो दिस बिकेम एंड इवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ओके, सो नाउ विल जस्ट रिवाइज पहले आया हमारे फिलोसॉफर्स के बाद, पहले था फिलोसॉफर्स, फिलोसॉफर्स आइडिया था जो जिसमें हमने डुअलिज्म, इंटरैक्शनिज्म ये सब डिस्कस किया। फिर उसके बाद आया स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, उसमें इम्पॉर्टेंट नाम क्या है, उसमें इम्पॉर्टेंट नाम एक है हमारे विल्हेल्म वुंड एंड एक है उसके स्टूडेंट टीचनर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या फोकस किया, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे कॉन्शियसनेस को उसको एलिमेंट में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म में क्या हुआ, ये जो हमारे कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस को स्ट्रक्चर में नहीं डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस क्या क्या पर्पस सर्व करते हैं हमारे सर्वाइव करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करते हैं। एंड उसका प्रोपगेटर था विलियम जेम्स। नेक्स्ट इज अबाउट जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में मेन प्रोपोगेटर था मैक्स वर्डाइमर, और उसने क्या कहा, इट दे बेसिकली फोकस्ड ऑन द होल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। ओके, नेक्स्ट केम बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म मेन प्रोपागेटर था विलियम जेम्स, एट द सेम टाइम द कंट्रीब्यूटर वॉज इवन पैवलॉफ एंड बी एफ स्किनर। दे बेसिकली सेड एवरीथिंग कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी स्टडीड बिकॉज इट इज नॉट साइंटिफिक, बिहेवियर इज ओनली कैन बी सीन एंड कैन बी ऑब्जर्व, दैट इज वाई इट कैन बी मेजर्ड, दैट इज वाई इट शुड बी स्टडीड एंड कॉन्शियसनेस शुड बी रिजेक्टेड एंड ऑल द अदर मेंटल प्रोसेसेस दैट ऑल्सो वॉज रिजेक्टेड बाई देम। उसके बाद आया साइको एनालिसिस, पहले सभी ने कॉन्शियसनेस के बारे में बात किया, बिहेवियर के बारे में बात किया, लेकिन साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रॉयड ने पहली बार ही स्पोक अबाउट अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो है हमारे, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड वो कॉन्शियस से भी बहुत बड़ा है एंड इट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इमेंसली, इट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड आवर पर्सनैलिटी। ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, साइकोअनालिसिस के बाद आता है ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, उसमें कार्ल रॉजर वॉज द मेन प्रोपागेटर, अदर इम्पॉर्टेंट नेम्स आर मैस्लो। सो उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन बींग हैज देयर फ्री विल विथ विच दे कैन मूव टूवर्ड्स देयर पर्सनल ग्रोथ एंड रीच देयर ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोटेंशियल।
इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, कुछ इमेजिंग टेक्निक्स, ब्रेन ब्रेन के अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रहा है वो जब हम जानने लगे, तब हम जो मेंटल प्रोसेस है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, उसको भी हम स्टडी करने लगे. दैट इज़ वाई बिहेवियर से लेके हमारे जो सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी के अंडर, जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉन्शियसनेस से लेके बिहेवियर, बिहेवियर से लेके अनकॉन्शियस, एंड अनकॉन्शियस से लेके फाइनली बिहेवियर एंड बोथ कॉग्निटिव फंक्शंस और मेंटल प्रोसेसेस में आके लिमिट हुआ. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन जनरल. सो ये पढ़ने के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर एंड इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट्स जान लेंगे. उसमें क्या है, जैसे हम देख सकते हैं, दिस आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम के लिए जैसे ये स्कूल्स ऑफ थॉट के मेन क्या फीचर्स है ये भी जैसे जानना इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स भी हमको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. जैसे 1879 में विलियम मून ने पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया जर्मनी के लिप्जिग में, जो मैं पहले कह चुकी हूँ. नेक्स्ट इज 1890 में विलियम जेम्स ने पब्लिश किया प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, वहाँ पे उन्होंने कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया. 1892 में जॉर्ज स्टैनली हॉल फाउंड्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, सो दैट बेसिकली स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका. Not only in Europe, it started the expansion of psychology in America. So after that, in 1904, Pavlov studied conditioning. After that, in 1913, Watson published the idea of behaviorism. Here also, Pavlov was a biologist जिन्होंने dogs के salivation के ऊपर कुछ studies कर रहे थे, and from that he फॉर्मिंग दिस आइडिया ऑफ कंडीशनिंग. वो कंडीशनिंग क्या होता है, वो कंडीशनिंग बाद में जाके ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी लार्जली इम्प्लाई किया गया. सो नेक्स्ट इज इन 1933 फ्रॉयड इंट्रोड्यूस्ड साइकोएनालिसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पे यू कैन स्टडी द अनकॉन्शियस. एंड 1951 में कार्ल रॉजर्स स्टार्टेड ह्यूमैनिस्टिक मूवमेंट. And in 1953, B.F. Skinner introduced operant conditioning. In 1968, Atkinson-Shiffrin model of memory was given, which basically remarked the cognitive revolution. And parallelly, वो 1980s and 1990s में जाके brain imagining technique हुआ, जो और भी बहुत सारे cognitive जो हमारे प्रोसेसेस है उसको जानने के लिए, डिटेल में उसका क्या फिजियोलॉजिकल बेसिस है ये डिटेल में जानने के लिए हमको हेल्प किया. सो बेसिकली दिस इज़ आवर जर्नी हाउ साइकोलॉजी केम टू दिस पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. एंड ऑब्वियसली नाउ इज वट एवर वी सी, हमको अगर लगता है कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट थे, फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट थे, वो बहुत ही ईजी था, अब जाके हम जब देखते हैं तब हमको ये लगता है, लेकिन एट दैट टाइम इट वॉज डेफिनेटली वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग. बट ऑब्वियसली विद द टाइम इट कुड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, बट इट गेव साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग. उसके ऊपर ही जाके नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया, नेक्स्ट जो स्टडीज आया, सो ये सब इसके ऊपर डिपेंड करके आया. ठीक है, सो ये था हमारे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, सो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो हमारे डिसिप्लिन है उसमें हम कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं. सो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू द YouTube channel of Aviana IAS Academy. Thank you and stay safe.